वाराणसी के दुर्गा स्थित धर्म संघ के मणि मंदिर में इंडियन डेंटल एसोसिएशन वाराणसी ब्रांच द्वारा तीसरा डोज टीकाकरण का आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जगजीतन पांडे जी रहे। अध्यक्ष डॉक्टर विकास तिवारी, सचिव डॉक्टर अमर अनुपम, संयुक्त सचिव अभिषेक मिश्रा, डॉक्टर शिवेंद्र मिश्रा, डॉक्टर विजय पाराशर, प्रीति मिश्रा, जसलोक सिंह, डॉक्टर सुशील मिश्रा, डॉक्टर सिद्धार्थ जायसवाल, आकाश बरनवाल, श्याम कार्तिक, आशुतोष द्विवेदी, निखिल अग्रवाल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर अमर अनुपम ने बताया कि कोरोना महामारी भयानक रूप लेती जा रही है, इसलिए स्वयं बच्चे और दूसरों को बचाएं। हम डॉक्टर्स के बीच बीमारी होती है, सुरक्षित रहें, इसलिए आज बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। अमर अनुपम, सचिव इंडियन डेंटल एसोसिएशन वाराणसी ब्रांच। आज यहाँ पर हम लोग जो है प्रिकॉशनरी डोज, जो थर्ड डोज जो है लग रहा है सभी दंत चिकित्सकों को, उसका आयोजन किया गया है। और कोविड जो ये महामारी है, इसके रोकथाम के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो पहले जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, उन लोगों के लिए जो सुविधाएं प्रदान की गई है, उसी कड़ी में आज हम लोग जो है वाराणसी के सभी दंत चिकित्सक यहाँ पर धर्म संघ मणि मंदिर में उपस्थित हुए हैं। और एक एक करके सभी लोग जो है हम लोग जो है प्रिकॉशनरी डोज लगवा रहे हैं, क्योंकि दंत चिकित्सक हम लोग जो है सबसे पहले किसी भी अगर दंत जो रोगी है उन लोगों के संपर्क में आते हैं तो मुंह दंत का इलाज करते से मुंह स्लाइवा के कांटेक्ट में आते हैं। इसलिए सब हम लोगों को बहुत आवश्यक है कि ये खुद भी स्वस्थ रहें और जो काशी के नागरिक हैं और भी जो भी मरीज बंधु वहाँ हम लोग के आते हैं तो वो भी सुरक्षित रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि सभी चिकित्सकगण जो है आज का दिन वैक्सीन में भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी लोग लगवाएं।